आप देख रहे हैं ARTV चैनल। क्यों माफी मांगे भाई किसानों से? अगर आपका तीन तीन एक्ट जो लाए क्यों विड्रा करें? अगर आप सच्चे हो तो किसानों से माफी क्यों मांगना पड़ा? और प्रधानमंत्री की तो आदत है माफी मांगने का। जब वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लोगों ने पूछा उनको गोधरा कांड के बारे में, अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो देश में ऐसे ही करोगे क्या? तो उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगा। हाँ बिल्कुल, मुसलमानों से माफी, मैं देश के मुसलमान भाइयों से माफी मांगता हूं, यह कभी दोहराया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये मेरा आश्वासन है, ये मोदी जी ने कहा। अब फिर किसानों से माफी मांग लिया, अब लगता है देश के प्रधानमंत्री माफी के सौदागर है, क्या समझना चाहिए? ये तरीका है देश को चलाने का? फिर अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई काली चुनाव था, हमने इसको बंद रखा है, फिर से लाएंगे, कहते जा रहे कि ये तरीका है देश को चलाने का? बिल्कुल नहीं। इनको इनका राजनीति भी इतना गलत अंदाज में, इतना नासमझी से करता है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल एकदम। अरे भाई आप अमेरिका गए प्रधानमंत्री जी, हाउडी मोडी, अमेरिका चुनाव से हिंदुस्तान को क्या लेना देना है भाई? अमेरिका चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है क्या? तमाशा था? कोई भी समझदार प्रधानमंत्री क्या किसी दूसरे देश के इलेक्शन में, चुनाव में प्रचार करते क्या? ये विदेशी नीति है क्या हमारा? कितना बड़ा नुकसान होता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके, वहीं जाके कह दिया अब की बार ट्रंप की सरकार, हाँ अब की बार ट्रंप की सरकार, इट्स ए टोटल स्ट्रैटेजिक मिस्टेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट, इट्स ए रब्बिश। सुनिए आप लोग वो क्या कह रहे थे। अब मैं सुनाऊंगा आपको, सारा दुनिया सुना, आप भी सुने, आप हॉस्टल करते नैटे नरेंद्र मोदी स्पीच इन हॉस्टल हाउडी मोदी प्रोग्राम अंत वे आने ओपन का सरकार, इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विथ प्रेसिडेंट ट्रंप, द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, इज इट नॉट ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री? अब क्या हुआ, चुनाव हो गया, वहां सरकार पलटी का गए, अब गए मोदी साहब अमेरिका में, हाल में बेहाल बेहाल, व्हाइट हाउस में कोई पूछने वाला नहीं, एयरपोर्ट में कोई प्रॉपर रिसीविंग नहीं, क्या हुआ देश का इज्जत?
ये तरीका है। अमेरिका देश का चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है? क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री को, क्यों कहना पड़ा, क्या मजबूरी थी? यह है भाजपा का नीति और इसके लिए हमको जय जयकार करना चाहिए। ऐसे हजारों चीजें हैं, हजारों, जो हम इस देश के सामने रखेंगे, हजारों, एक नहीं दो नहीं। सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात, बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते, किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में। कितना गंदे गंदे बातें करते लोग, जिसको चाहे जो चाहे कह दो, जो मन में आए कह दो, गालियां दे दो, मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है। मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में। नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान? तेलंगाना 7 साल पहले जहां किसानों का आत्महत्या होता था, माइग्रेशन होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। आप देख रहे हैं